सदर थाना क्षेत्र के जालिया पुलिया पर काबरा निवासी कपड़ा व्यापारी अपहरण प्रकरण में सदर थाना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अपहरण प्रकरण में दो फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्तार दोनों आरोपियों से प्रकरण को लेकर कड़ाई से पूछताछ कर रही है। गिरफ्तार आरोपियों में राजपाल पुत्र रामसु किरावा जाट निवासी साथिन पुलिस थाना पीपाड़ शहर जिला जोधपुर तथा प्रभजोत उर्फ पुत्र बीरबल राम जाति बावरी निवासी मालावास पुलिस थाना पीपाड़ शहर जिला जोधपुर शामिल। सदर थाना अधिकारी सूर्यभान सिंह के अनुसार सदर थाना पुलिस को 14 अप्रैल को शाम 8 बजे करीब सूचना मिली कि रेडीमेड कपड़ों के व्यापारी भगवती प्रसाद पुत्र राधेश्याम निवासी काबरा को कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा काम से घर लौटते समय अपहरण कर लिया। अपहरण के बाद गठित पुलिस टीम ने अपहृत व्यापारी भगवती प्रसाद को 15 अप्रैल को अपहरणकर्ताओं के चुंगल से मुक्त करवा लिया था। मुख्य संलग्नक व उसके तीन साथियों को घटना में प्रयुक्त कार सहित गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस टीम को अब शेष दो आरोपियों की तलाश थी जो इस घटना में शामिल रहे थे। पुलिस टीम ने आरोपियों की तलाश हेतु उनके घर रिश्तेदारों व अन्य छिपने की जगह दबिश थी, मगर शेष दोनों आरोपी घटना के बाद से ही फरार थे। टीम को इन दोनों आरोपियों के बारे में मुखबिर से सटीक सूचना मिली, जिस पर टीम ने त्वरित कार्यवाही करते हुए शेष दोनों आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की। आरोपियों से पूछताछ जारी है, वे अन्य तथ्यों के खुलासे की संभावना है। पुलिस थाना ब्यावर सदर पर दर्ज इस प्रकरण में अपहरण को अपहरणकर्ताओं से मुक्ति करवाने तथा अपहरण के मुख्य संलग्नक व उसके सभी साथियों को पकड़वाने में जिला स्पेशल टीम के कांस्टेबल प्रवीण चौधरी तथा थाना ब्यावर सदर के कांस्टेबल हरेंद्र चौधरी का विशेष योगदान रहा है। 14 अप्रैल को ब्यावर सदर थाने में भगवती शर्मा करके जो व्यापारी हैं उनके अपहरण की रिपोर्ट दर्ज हुई थी, और इसमें पूर्व में अपहरण की घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने तीन आरोपियों को और अपहरण में प्रयुक्त वाहन को जब्त किया था और अपराधियों को गिरफ्तार किया था। और आज उसी क्रम में ब्यावर सदर थाना पुलिस द्वारा दो आरोपियों को, आरोपी राजपाल जाट और प्रभजोत उर्फ प्रभु, ये दोनों ही पीपाड़ शहर है के निवासी हैं, जोधपुर पीपाड़ शहर के निवासी हैं, इनको अरेस्ट किया गया है इसी घटना के क्रम में। और इस घटना में जो आरोपीगण थे, आज समस्त आरोपीगण को अरेस्ट कर लिया गया। ये कोई इनके आपसी पैसों का मैटर था, उसको लेके पैसा ना चुकाने की एवज में इन्होंने इसका अपहरण किया था। बाद में फिरौती के लगभग 4-1 लाख रुपये का इनका ट्रांजेक्शन हुआ था, जो पुलिस ने इनके अकाउंट को सीज और फ्रीज करा दिया है। तो अभी रिकवरी जो अकाउंट फ्रीज है और जो छोटा मोटा इन्होंने कुछ अपने खर्चे में दिखा दिया, एटीएम से निकाल के जो उस अकाउंट से इन्होंने कुछ खर्च कर दिया था, लगभग 4-1 लाख के आसपास का अमाउंट है।